Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are doing good and healthy. Today we will learn equivalent fraction. Equivalent fraction matlab means jo fraction equal ho, hai na? Equivalent matlab means equal, barabar. Clear? Look at this figure carefully. All of them are of the same size. All the shaded part of also equal size. You know, all the shaded part of the equal size. Okay, students, look. Yes, shaded part are equal size. Okay, now. There are two parts na, so total part is 2 and one is shaded part, so equivalent, so fraction of this figure 1 upon 2, because 1 is numerator and 2 is denominator, so it is half. Clear? Half. Now look at this figure, then we will multiply by 3, then we will
डिनोमिनेटर, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, 2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई होगा। सो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करिए 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 2 अपॉन 4। नाउ नेक्स्ट हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का। नेक्स्ट हमें स्टेप इज 3, सो 1 अपॉन 2 इनटू 3 मल्टीप्लाई 3, 3 अपॉन 3, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, सो सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 6। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4, 4 अपॉन 4, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सो 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 8, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज फर्स्ट इज 2 अपॉन 4, देन सेकंड इज 3 अपॉन 6 एंड देन थर्ड इज 4 अपॉन 8। क्लियर स्टूडेंट, 4 अपॉन 8, लुक 1 2 3 4 सेम डिफरेंट 1 2 3 4, देन डिनोमिनेटर इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, यस regularly।